हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 14 में क्या है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, वो है डाइसी के विधि के शासन के बारे में। इंग्लैंड के प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ किस चीज़ को कहा है। हम प्रोफेसर डाइसी की बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेफ़र करेंगे, और उसमें वो क्या कहते हैं उस पर भी बातें करेंगे। तो आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी को भी विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। आर्टिकल 14 में दो फ्रेजेस हैं, दो वाक्यांश हैं। एक है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। साधारणतः इन दोनों ही बातों को समान समझ लिया जाता है, या स्टूडेंट्स, लॉ स्कॉलर्स और एडवोकेट्स भी इन दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों ही फ्रेजेज, वाक्यांशों के बारे में। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप आ जाइए लर्निंग मोड पे, लिसनिंग मोड पे, हेडफोन ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरी आवाज़ से। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करते रहिए हर एक प्लेटफॉर्म तक जहां आप मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 14 और समझते हैं उन दोनों ही फ्रेजेस के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो विधि के समक्ष समता, ये जो वाक्यांश है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लगभग विश्व के सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है। अगर हम UDHR 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में देखेंगे, तो ये दोनों वाक्यांश ही वहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र UDHR आर्टिकल 7 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को विधि के समक्ष समान संरक्षण मिलेगा। विधि के समक्ष समता, यह वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कहा है। दूसरा जो फ्रेज है, वाक्यांश है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इन दोनों ही वाक्यांशों का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिए गए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जो समानता है, उसकी स्थापना करना है। वैसे अगर हम देखें तो दोनों वाक्यांशों में कुछ समानता है, लेकिन जहां अर्थ का प्रश्न है, दोनों में अंतर है। विधि के समक्ष समता जो वाक्यांश है, यह एक नकारात्मक वाक्यांश है। मैं रिपीट कर दूं, यह एक नकारात्मक वाक्यांश है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जाना है, और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। यह है इक्वलिटी ऑफ लॉ शब्द का मतलब, जैसा कि प्रोफेसर डाइसी अपनी किताब लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th एडिशन में समझाते हैं। वो कहते हैं कि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक वाक्यांश है। इसका मतलब है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, या समान परिस्थितियों में किए गए समान कार्य के लिए समान दंड का प्रावधान करना। जबकि विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश स्वीकारात्मक स्वरूप का है, जिसका अर्थ है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही समान व्यवहार होगा, अर्थात कानूनों को समान रूप से लागू करना। किंतु यदि ध्यान से देखें तो दोनों वाक्यांश में एक ही उद्देश्य निहित है, वह है समान न्याय। एक केस है 1952 का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस मामले में मुख्य न्यायाधिपति पतंजलि शास्त्री ने कहा है कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उप सिद्धांत है। अगर हम डॉक्टर जेनिंग्स की लिखी हुई किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3rd एडिशन देखेंगे, तो इसमें डॉक्टर जेनिंग्स
विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस फ्रेज की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से ही लागू की जानी चाहिए। प्रोफेसर डाइसी अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th एडिशन में विधि के समक्ष समता की गारंटी को रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहते हैं। उनके अनुसार विधि का शासन शब्द का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के शासन की ही स्थापना करता है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि के शासन से तात्पर्य 3 बातों से है। सबसे पहला है मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता। इसका अर्थ है कि विधि की सर्वोच्चता न कि सरकार की मनमानी शक्ति। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विधि के समक्ष समता, जिसका अर्थ है सभी वर्ग सामान्य विधि के अंतर्गत आते हैं और उन्हें सामान्य न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि संविधान सामान्य विधि का ही परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि शक्तियों के अधिकार का स्रोत संविधान नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा नियमों के निर्वचन और उनके प्रवर्तन पर आधारित है। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समान ही है, जिसका अर्थ है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अंतर्गत रखा जाना तथा समान रूप से लागू करवाना, चाहे वे विशेषाधिकार हों या दायित्व हों। इस पदावली का निर्देश यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए और उन पर एक ही विधि लागू की जानी चाहिए। अर्थात यदि विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि एक तरह की होगी। इस प्रकार नियम यह है कि समानों के साथ समान विधि लागू किया जाना चाहिए, न कि असमानों के साथ समान विधि लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 14 में जो निहित विधि का शासन सिद्धांत है, यह संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है, अतः इसे 368 के अंतर्गत संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में निर्धारित किया है। तो ये जो कुछ भी बातें मैंने एक्सप्लेन की, ये 2 लॉ स्कॉलर्स के ओपिनियन के आधार पर थी। एक हैं डॉक्टर जेनिंग्स और एक हैं प्रोफेसर डाइसी। मैं इसे अपने शब्दों में बहुत साधारण तरीके से समझा दूं कि विधि के समक्ष समता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अंदर दायरे में आता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो, वो सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो या खास आदमी हो, करोड़पति हो या गरीब हो। तो ये है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि समान परिस्थिति में किए गए समान कार्य के लिए समान दंड। तो एक वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक समान कानून और दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिए दूसरी तरह का कानून बनाया जा सकेगा। एक ही किए गए कार्य के लिए अगर 2 अलग अलग व्यक्ति समान कार्य को करते हैं लेकिन उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उनको सज़ा दी जा सकेगी अलग अलग तरीके से। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए ने बी को गोली मारी है और सी ने डी को गोली मारी है। हम ए को देना चाहते हैं फांसी लेकिन सी को देना चाहते हैं इनाम। क्या ऐसा किया जा सकता है? आपकी जानकारी के लिए किया जा सकता है। और यही तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसे हम कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। तो ए को फांसी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग है। समझ लें कि ए एक लुटेरा है, उसने संपत्ति लूटने के लिए बी को गोली मारी है, उसे हम क्या देंगे? फांसी। लेकिन सी को समझ लीजिए कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और एक टेररिस्ट को मारता है, तो परिस्थिति बदल गई और यहाँ पर में सज़ा नहीं मिलेगी, आप उसे शायद परमवीर चक्र दे सकते हैं। तो यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आपने इन दोनों ही फ्रेजेस को, वाक्यांशों को 3 लोगों के नज़रिए से समझा। एक थे प्रोफेसर डाइसी, मैंने उनकी किताब लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th जो एडिशन है उसका रेफरेंस आपको दिया अभी। एक हैं प्रोफेसर जेनिंग्स, जिनकी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd एडिशन को मैंने रेफ़र किया। और एक आपने समझा मेरे ओपिनियन को, मनमोहन जोशी के ओपिनियन को।
तो यहाँ आज ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ। वैसे आर्टिकल 14 कंप्लीट हुआ नहीं है, इसका बहुत व्यापक दायरा है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आर्टिकल 14 पर ही बात करूँगा कि आर्टिकल 14 नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस से कैसे रिलेटेड है। कुछ केस लॉज भी हम समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन भी हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए इस चैनल से। और अगर कुछ और बातें आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आइए और संदेश मुझे लिखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।